नमस्कार दोस्तों दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का वीडियो में ये बताएंगे कि जो बच्चे मोटर वाइंडिंग का क्लास करते हैं, वाटर पंप का क्लास करते हैं, वो वाटर पंप को पूरे कंप्लीट तरीके से रिपेयर वो कैसे सीखते हैं उसका पूरा डिटेल वीडियोस इस वीडियो में आपको मिलेगा। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, आप बताएंगे जी आपका नाम क्या है? सशित कुमार वर्मा सशित, आप कहाँ से हो? सर, गिरिडीह जिला से। गिरिडीह जिला से हो। अभी आपका जो क्लास है वो आप देख सकते हैं, इनका ये क्लास था। ये मोटर है जिसको पूरे तरीके से ये वाइंडिंग किया। जी बैठ जाओ, बैठो। ये मोटर को क्या किया? वाइंडिंग किए। जी सर। मतलब क्या किया? पूरे मोटर को, मोटर वाइंडिंग रिपेयरिंग सीखने के लिए आप आए हो। जी सर। आपको अभी ये कितने एचपी का मोटर है जी? 1 HP का सर। 1 HP का मोटर है ना। जी सर। इस मोटर में बैठ जाओ जी, आप लोग भी बैठो। ये मोटर को पूरा खोले जी सर। और इसमें वाइंडिंग किए, पूरे जी सर। चीजों को खोल करके, पूरे वाइंडिंग करके सारे प्रोसेस को कंप्लीट किए, जी सर। उसके बाद फिर से इंस्टॉल करके और पूरा सेक्शन वेक्शन लगा करके रेडी कर दिए, जी है सर। ना? क्यों पानी चलाना है? जी सर। क्योंकि ये सब का काम ही है पानी चलाना ना, इसीलिए यूज होगा ना। जी सर। यदि आप रिपेयर करने जाओगे, वाइंडिंग करोगे, तो मेरा सक्सेस हुआ कि नहीं वो कैसे चेक करोगे? हमारे पास और भी स्टूडेंट है जो मोटर वाइंडिंग का भी काम क्लास कर रहा है, अभी उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपका नाम क्या है जी? सतीश कुमार मंडल। सतीश कुमार, आप भी मोटर वाइंडिंग का क्लास कर रहे जी हो। सर। अभी आपका क्लास कहाँ तक मोटर में हो गया है? मोटर में सर अभी तक कोयल कुछ वर्णी की है और मतलब कुछ कुछ बाकी है। कॉइल वाइंडिंग अभी की है और बाकी है, अभी बाकी आपका है, क्लियर नहीं हुआ है। नहीं हुआ क्लियर सर। ओके, अभी आपका वाइंडिंग चल रहा है जी सर। और इसका वाइंडिंग हो गया है। जी सर। चलो आप नाम बताओ जी। संदीप कुमार। आप, आपका भी मोटर वाइंडिंग का क्लास चल रहा है? जी आप कहाँ तक कर लिए हैं? अभी वाइंडिंग किए हैं, थोड़ा बचा हुआ अभी थोड़ा वाइंडिंग किए हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ नहीं है। हुआ जी। कितना HP का अभी आप कर रहे हैं? ½ HP का। और आप जी? मेरा भी ½ HP है मतलब सर। दोनों अभी ½ HP से जी शुरू किए हैं, जी है सर। ना? और आप 1 HP को शुरू किए थे, है ना? जी सर। 1 HP का पूरा वाइंडिंग वगैरह करके फिट करके कंप्लीट कर लिए हैं। जी सर। अब इसको चेक करेंगे कि आखिर में वाइंडिंग जो किया वो कैसा चल रहा है, सक्सेस रहा कि नहीं रहा, क्या पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि हमें तो लास्ट में सर्विस कस्टमर लोग क्यों कराएगा, पानी के लिए कराएगा ना जी जी। सर। तो अब देखते हैं, इसको करंट वरेंट दो और चालू कर दो। कनेक्शन वगैरह थोड़ा सा नजदीक लाएंगे कैमरा को। ये यहाँ पे इसको भी अच्छे से टाइट कर लिए हैं, ये सेक्शन को भी सेट कर लिए हैं और इसको पानी में डाल दिए हैं। इससे हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इसमें देखिए कनेक्शन वगैरह भी ये करके कंप्लीट कर लिए हैं। करंट वगैरह दीजिए जी। चलिए करंट को दीजिए। चलिए हाँ, अब यहाँ पर देखना है कि हमारा जो है वो पानी चल रहा है, आपका काम सक्सेस रहा कि नहीं। ये देखिए, जब ये पूरे काम को कंप्लीट किया और ये हमारा पानी देखिए चल रहा है, और देखिए लीकेज कहीं क्या इधर लाएंगे, देखिए कहीं पे कोई लीकेज वगैरह का समस्या, क्योंकि इस मोटर में आपको लीकेज वगैरह देखना जरूरी है। मेन फोकस यहाँ पे करना पड़ता है, ये सारे लीकेज वगैरह का संभावनाएं वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स होता है, ये लीकेज का प्रॉब्लम्स होता है, ये सारे तरीके से अच्छे से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कहीं लीकेज हो रहा है क्या। दूसरे चीज, प्रॉपर वे में जो वाइंडिंग किया वो वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एक ये फ्रेशर स्टूडेंट है, कभी आप काम इसमें किए हैं क्या? वाइंडिंग का काम कभी नहीं किए, पहली बार वाइंडिंग का काम किए हैं, तो वाइंडिंग को कंप्लीट किए कैसे करते हैं नहीं करते, ये सारे चीज सर आपको सपोर्ट किया। अब ½ HP का जो करोगे वहां काम सपोर्ट करेगा, क्या करेगा? क्योंकि सब में मास्टरी बताते रहेगा, तू सीखेगा क्या? इस तरीके से अगर आप सीखना चाहते हो, क्योंकि ये वाटर पंप है, ये घर वगैरह में पानी के लिए यूज होता है, तो हमें पानी को चला के देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और ये जब प्रैक्टिकल होगा तो कंप्लीट, फुली प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब आपका ये 1 HP का हो गया, अब आपको ½ HP का भी कर लेना है।